Okay, good morning everyone. I am CA Prashant Sarda. Let's start with the questionnaire session. Okay, अगर आपको याद होगा तो पिछले session में हमने जो questionnaire start किया था वो हमने question 3 तक किया था शायद. Okay, ये सभी notes आपको मिल सकते हैं. अगर आप इसे order करना चाहो तो कर सकते हो, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो. Okay, तो these questions are nothing but ICM module, MTP, RTP and past examination questions का combination. Okay, so कुछ यूनिक क्वेश्चंस है जो ऑब्वियसली थोड़ा सोचने से आ भी जाएंगे. इजी क्वेश्चंस हटा दिए मैंने, थोड़े सोचने लायक क्वेश्चंस रखे ताकि आपको समझे कि आप वो लेवल को भी कैटर कर पा रहे हो जिसको आप शायद पहले कैटर नहीं कर पाते थे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं. सबसे पहले रीड द क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ आईमैक्स लिमिटेड कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस. क्या निकालना है आपको? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीज्ड बाय 10% एंड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज 1,57,500. पर्टिकुलर रुपीज ईबीआईटी अमाउंट इज गिवन 31,50,000 एंड ईबीटी अमाउंट इज गिवन टू यू 14 लाख. वॉट डू यू थिंक? डीएफएल निकालेंगे. कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? EBIT अपॉन EBT से. ठीक है, DFL फिर से सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे DFL का, परसेंटेज चेंज वाला. कौन सा परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप DFL का? नहीं होगा ऐसा कुछ. सोचते सोचिए, दिस्त तसे नस्त, दिख रहा है वैसा नहीं है. ध्यान से सोचिए, बहुत इजी है. ड्यूएल निकालना पड़ेगा. ड्यूएल का फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. तो अपने पास कॉन्ट्रीब्यूशन रेडी हो सकता है क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन रेडी हो सकता है अपने पास? ईबीआईटी और फिक्स कॉस्ट है ना तुम्हारे पास. ईबीआईटी नीचे दे रखा है, फिक्स कॉस्ट ऊपर दे रखा है. कॉन्ट्रीब्यूशन रेडी हो सकता है तुम्हारे पास? और कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी डालकर क्या मिलेगा? ड्यूएल मिल जाएगा आपके पास. तो सबसे पहला काम आपने करना चाहिए ड्यूएल निकालना चाहिए. बोलिए मुझे कैलसी पर ड्यूएल कितना आया? 1.05. केयरफुली केयरफुली कैलकुलेट अच्छे से करो. करेक्ट है सबका? एवरीवन, यहां पर भी आंसर आ गया 1.05 टाइम्स. सो दोस्तों, आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना था जो कि आ गया आपका 1.05 टाइम्स. आप सबने मेरे साथ डिस्कशन किया पहले, फिर मैं आंसर दिखा रहा हूं आपको. ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? आपके पास एक बार ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया है, अब आप क्या करोगे? डीएफएल निकाल लेंगे. फिर कंबाइंड लेवरेज निकालो, फिर परसेंटेज चेंज का लॉजिक लगाओ. क्यों सर, कैसे समझता है ये सब? उन्होंने आपको क्या पूछा क्वेश्चन में? सेल्स का चेंज, और डायरेक्टली उन्होंने बोला ईपीएस का चेंज. तो भाई साहब, सेल्स टॉप, ईपीएस बॉटम, दोनों को रिलेट करने वाला मतलब क्या हो गया? कंबाइंड. तो फिर फाइनेंशियल लिवरेज निकालने के लिए आपने को 31,50,000 को डिवाइडेड बाय 14 लाख करना है. आपका फाइनेंशियल लिवरेज कितना आता है? 2.25. यस, मेरा भी आया. फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 1.05, 2.3625. करेक्ट, सबके कैलसी पर अगर आ रहा है तो पास हो आप. इंडिविजुअली आपके कैलसी पर आ रहा है तो पास हो आप. बाजू वाले के कैलसी पर देखकर अगर आप देख रहे होंगे तो बाजू वाला पास होगा. ओके, सो कंबाइंड लेवरेज इज 2.36, मतलब एवरी 1% चेंज इन सेल विल चेंज द ईपीएस बाय 2.36%. नाउ योर सेल्स आर चेंजिंग बाय हाउ मच? 10%. सो 10 into 2.3625, योर ईपीएस विल चेंज बाय 23.625%. इज दिस करेक्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दिखने में स्टार्टिंग में कितना ट्रिकी दिख रहा था, बस कुछ नहीं किया उन्होंने, दो चीजें अलग दी और एक चीज ऊपर अलग दी थी. लिंक लगाओ, किसको चेंज कर कर क्या पूछ रहे, कौन से पार्ट में उसका आंसर आता है. अगर आप इतना भी ध्यान लगा लोगे लेवरेज में आधी चीजें सॉल्व हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों. Consider the following information for Mega Limited. Production is 2500 units. Contribution per unit is given to you. That means you will get the total contribution. Yes. फिर operating leverage दिया है.
अगर ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है, कॉन्ट्रीब्यूशन रेडी है, तो ईबीआईटी आ सकता है. फिर कंबाइंड लेवरेज दिया है ओके, और टैक्स रेट दे रखा है, और नीचे बोला है अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालो. चलो स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन रखता हूं, जल्दी सॉल्व करो, आपके पास नोटबुक में सॉल्व करो. नोटबुक में सॉल्व करो, स्क्रीन पर क्वेश्चन है. प्रोडक्शन कॉन्ट्रीब्यूशन इज रेडी. प्रोडक्शन इज 2500 यूनिट्स, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 150. प्रोडक्शन 2500 यूनिट्स, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 150. इसको यूज करके आपका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा. ऑपरेटिंग लेवरेज 6 times दे रखा है, ऑपरेटिंग लेवरेज 6 times दे रखा है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला यूज करो, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज रेडी है, कॉन्ट्रीब्यूशन रेडी है, आपका ईबीआईटी आ जाएगा. आ गया ईबीआईटी तक का आंसर आ गया, बताइए कितना आया? 62,500. ओके आ सकता है, करेक्ट आया. अब मुझे बोलिए कि आपके पास ऊपर कंबाइंड लेवरेज रेडी है क्या, और आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज रेडी है क्या, तो क्या निकालेगा? डीएफएल निकल जाएगा आपका. डीएफएल इज इक्वल टू 24/6. 24/6 कितना टाइम्स? 4 times. 4 times का आपका फाइनेंशियल लेवरेज आ गया. आपके पास अभी अभी ईबीआईटी रेडी हुआ था और आपका फाइनेंशियल लेवरेज भी रेडी है. क्या मिलेगा? ईबीटी मिलेगा. पहले ईबीटी मिलेगा. फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. फाइनेंशियल लेवरेज रेडी है, ईबीआईटी रेडी है, तो आपका ईबीटी का आंसर कितना आया? ऑनलाइन जो लोग देख रहे सुन रहे आंसर देते रहो. यस, कितना बोला आपने? 15,625. ये आ गया, देखिए आपके स्क्रीन पर सब आंसर्स रेडी है. ओके, जैसे आप बोल रहे हो बिल्कुल वैसा रेडी है. अब बोलिए आप, टैक्स रेट है क्या आपके पास? तो क्या मिलेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा. और निकालने क्या बोला आपको? अर्निंग आफ्टर टैक्स. तो बोलिए फाइनल अमाउंट 10,938. राउंड ऑफ कर लो, कुछ नहीं किया, 15,625 पर 30% लेस कर दिया, आपका आंसर आ गया. मैंने बोला था ना, एनीथिंग इनटू 1 माइनस टैक्स विल गिव यू आफ्टर टैक्स. एनीथिंग इनटू 1 माइनस टैक्स इज गिविंग यू आफ्टर टैक्स. कैन यू सी ऑन स्क्रीन? ईबीटी इनटू 1 माइनस टी विल गिव यू ईएटी. डन, इजी. 5 mark के लिए क्या बुरा है रे? ये 5 mark के लिए क्या बुरा है? क्या दिमाग लगाना है आपको, सोचो. और 5 mark 38 और 43 का डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट समझो. काफी बार अपने हाथ की चीजें अपन छोड़ देते, इसका प्रैक्टिस नहीं करते, और अपन प्रैक्टिस करते. कैपिटल बजटिंग कितने 100 questions सॉल्व किए? 90. क्यों? कितने मार्क्स के लिए आएगा? 10 mark ना. बुरा नसीब रहेगा तो 18 mark के लिए आएगा. इट्स फाइन, 15-18 mark का रिस्क लेकर इधर पूरा कवरेज हो सकता है ना. थोड़ा स्मार्ट वर्क करो. इसका मतलब ये नहीं मैंने आपको छोड़ने बोला ऑप्शन में, इसका मतलब ये है कि 90-100 questions मत सॉल्व करो. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रेंड्स, रिसेंटली एडेड इन आईसीआई मॉड्यूल. मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर बेस्ड है दोस्तों. डीओएल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कोई रिलेशन होता है क्या? यस, कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स. सो कैन आई से डीओएल का फॉर्मूला है, डीओएल इज इक्वल टू 1/MOS. Use that logic, solve this question. I am keeping this question in front of you for 3 minutes time. Very good, Sarvesh, very good. Keep the same pace, everybody. You all are doing fabulous.
मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज गिवन, इंटरेस्ट इज गिवन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज गिवन टू यू, फाइनेंशियल लिवरेज इन टैक्स रेट इज गिवन टू यू। सो दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करके ड्यूएल निकाल लो, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, फाइनेंशियल लेवरेज दिया है और इंटरेस्ट दिया है, क्या मिलेगा, ईबीआईटी मिलेगा। मतलब अब नीचे का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट का अमाउंट क्वेश्चन में रेडीमेड है, तो ईबीटी आएगा, ईबीटी पर टैक्स 45% लगाकर ईएटी आएगा, मतलब नीचे तक जा चुके हम लोग। अब ऊपर जाना सोचो, ईबीआईटी से ऊपर जाना रहेगा तो कौन से लेवरेज को यूज करोगे आप, ड्यूएल, बट ड्यूएल दे रखा है क्या, निकाल लिया हमने, तो ड्यूएल निकाल लिया है और हम ईबीआईटी भी निकाल चुके हैं, तो हम ड्यूएल और ईबीआईटी को यूज करके कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे और फिर पीवी रेशो यूज करके सेल्स पर जाएंगे। कैसे सॉल्व होते हैं पजल्स, हर जगह कुछ ना कुछ कड़ी है, कुछ लिंक है। Now able to see more clearly? उनका सीक्वेंस और अपना सीक्वेंस अलग हो सकता है मगर लॉजिक सेम होता है। शायद उन्होंने ड्यूएल बाद में निकाला रहेगा, अपन ने पहले निकाला रहेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट कंसेप्ट इज सेम, लॉजिक इज सेम, सो आंसर शुड बी सेम, मेथडोलॉजी डिफर्स, दैट्स इट। क्या आपका आंसर रेडी है, लास्ट वन मिनट, फिर से दोहरा रहा हूं मैं क्या करना चाहिए, जो लोग ऑनलाइन देख रहे वो लोग भी आंसर दे दो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करो और ड्यूएल निकालो, डीएफएल दे रखा है आपको, डीएफएल का फॉर्मूला यूज करो, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेडी है, डीएफएल रेडी है, ईबीआईटी आ गया, ईबीआईटी आ गया और ड्यूएल आ चुका है तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, ईबीआईटी रेडी है, ड्यूएल आ चुका है तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, एक बार कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया तो पीवी रेशियो यूज कर सेल्स आ जाएगा और हमारा पूरा इनकम स्टेटमेंट फिर रेडी हो सकता है। यू आर नॉट सपोज टू जस्ट फाइंड दिस आइटम्स, यू हैव टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट बाय यूजिंग द फॉर्मेट पर्टिकुलर्स कंपनी ए कंपनी बी, एंड आई टोल्ड यू द फॉर्मेट यस्टरडे, पर्टिकुलर्स के बाद में राइट हैंड कॉर्नर में अपन कंपनी और कंपनी बी बनाना चाहिए। गॉट द आंसर, शुड आई शो यू द आंसर, रोहिणी क्या है फाइनल आंसर, सेल्स अमाउंट 8,000 फॉर कंपनी ए एंड कंपनी बी 36,000। ओके लेट्स चेक योर आंसर, 80,000 आ रहा है, ओ एक गलती हो गई इधर, टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, 3,000 लेना है आपको, इंटरेस्ट को 3,000 लेना है, ठीक है, मेक चेंजेस, इंटरेस्ट को सिर्फ 3,000 ले लो, एक एक जीरो बढ़ेगा आपका और कुछ नहीं होगा, कंसिडर द इंटरेस्ट गिवन एज नॉट 300 बट 3,000, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम।
So accordingly your answer will change. Your final answer is 80,000 का सेल, 36,000 का सेल और EAT आपका 550 and 550, करेक्ट ना? हो सकता है कुछ टाइपोलॉजिकल एरर हो सकते हैं, डोंट वरी, बिकॉज ये अभी तक प्रिंटिंग में है, ये अभी तक प्रिंटिंग में, क्वेश्चनर अभी तक रेडी नहीं है. ओके, नेक्स्ट पार्ट. अच्छा, जैसे हमने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व किया, कोई अलग नहीं है, जैसे हमने डिस्कस किया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया हुआ है, नथिंग टू वरी. सबका आंसर मैच हुआ क्या बराबर से? शुड आई शो यू स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग या वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड? देखो, फाइनेंशियल एवरेज यूज करके पहले निकाला ईबीआईटी, दोनों जगह कंपनी ए कंपनी बी. हम ऐसे सॉल्व नहीं करते, हम कैसे सॉल्व करते? कॉलमनर सॉल्व करते, तो वन टाइम में अपना दोनों जगह का सॉल्व हो जाता है. एक ही बार फॉर्मूला लिखते है, ये देखो बार बार फॉर्मूला लिखते है, दिस इज द डिफरेंस, टाइम सेविंग. ओके, फिर ऑपरेटिंग लेवरेज इज नथिंग बट 1 बाय MOS, एक ही बार लिखने का, दोनों को कॉलमनर सॉल्व करने का, दोनों का ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा. ऑपरेटिंग लेवरेज यूज करो, EBIT यूज करो, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन कॉलमनर आ जाएगा. और एक बार कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया तो सीधा सीधा पीवी रेशियो यूज कर लो, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो विल गिव यू सेल्स, तो डायरेक्ट आपका सेल्स आ जाएगा. करेक्ट गाइस, गॉट योर आंसर्स परफेक्टली? दिस इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, ऊपर का हेडिंग में गायब करने वालों बाद में, क्योंकि जगह नहीं है. दिस कंपनीज बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट इज गिवन टू यू. ठीक है, तो ये रहा 31 मार्च का बैलेंस शीट. एक बार बैलेंस शीट को अच्छे से देख लो, एसेट साइड नेट फिक्स एसेट्स दे रखे, करंट एसेट्स दे रखे, लाइबिलिटी साइड में आपको क्या दिया है? इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज पर शेयर, मतलब नंबर ऑफ शेयर पता है. डिबेंचर्स 10% के है, 6 लाख के है, मतलब आपको इंटरेस्ट अमाउंट पता है. ओके, क्या क्या सोचना चाहिए मैं आपको वो बता रहा हूं, जब इंफॉर्मेशन सामने आती है तो कैसे सोचा जाता है मैं वो बता रहा हूं. हाँ यश, तू बोल रहा है करेक्ट है, 300 का इंटरेस्ट नहीं है, 3000 का इंटरेस्ट है पिछले क्वेश्चन में, करेक्ट. ओके, ध्यान दो, अभी 6 लाख पे 10% 60,000 का इंटरेस्ट, उसके बाद रिटेन अर्निंग्स, फिर करंट लायबिलिटीज, और नीचे अब आपको इनकम स्टेटमेंट दे रखा है, और इनकम स्टेटमेंट में आपको सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 60,000 का डिबेंचर, टोटल कितना है? 1,20,000 है. तो कहने से 1,20,000 में से डेप्रिसिएशन अगर मैं निकाल दूं, क्योंकि इट्स अ फिक्स कॉस्ट, तो फिर 60,000 इज माय वेरिएबल कॉस्ट. टेक कैलसी, 1,20,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 60,000 वेरिएबल आया. नाउ दिस 60,000 एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, सेल्स इज डिवाइडेड बाय 3,40,000 कर दो, इनटू 100 कर दो, लिख दो कहीं पर ही. क्वेश्चन का ही पार्ट, आंसर का ही पार्ट बना दो ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आंसर में लिखो, वहां पर आंसर के पार्ट में लिखो वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल वेरिएबल कॉस्ट as a percentage of sales is equal to 1,20,000 minus 60,000 का debenture, sorry depreciation, बराबर depreciation, तो ये हो गया 60,000 का variable expense. sales कितना है? 3,40,000 का sales last में into 100, कितना आता है? 6.47%. ठीक है, ऐसा लिख दो प्रिसाइजली, क्योंकि हमें ये बाद में अप्लाई करना पड़ सकता है. समझे कैसा सोचना है? सर डेप्रिसिएशन क्यों माइनस किया मगर? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज फिक्स कॉस्ट, करेक्ट. यस गाइस, ईबीआईटी, ईबीआईटी कैसे बोल सकते ये लोग? क्योंकि इन्होंने 120 माइनस किया पूरा, जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों है, इसलिए ये लोग नीचे वाले फिगर को क्या बुला रहे? ईबीआईटी. इज इट करेक्ट? यस.
फिर इंटरेस्ट लेस किया, ईबीटी आया, टैक्स लेस किया, ईएटी आया। एक काम करो, कैलसी पर देख लो बस टैक्स कितना परसेंटेज है, टैक्स परसेंटेज देख लो एक बार, 56,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, 35%। रिमेंबर टैक्स रेट इज 35%। ओके, चाहिए तो लिख देने का आंसर में, उससे मार्क्स कट नहीं होते, मगर समझने का अपन क्या क्या कर रहे हैं। 56,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इंटू 135% टैक्स रेट, ईएटी आ चुका है। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज एट करंट लेवल ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। ऑब्वियसली वो तो अपन ने वैसे ही ट्रीट किया है, तो ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और कंबाइंड लेवरेज निकालना है अपने को। कैन वी कैलकुलेट दैट? बोलो मुझे, सब नंबर्स रेडी आपके पास, बस सिस्टमैटिकली आपको डालना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैलसी पर बोल दो ना, उसमें क्या है, ऑपरेटिंग 1.27, ऑपरेटिंग इज 1.27 टाइम्स, कैसे निकाला बोलो, कंट्रीब्यूशन निकाला आपने। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या किया, 3,40,000 में से 60,000 लेस किए सिर्फ, जो आंसर है वो कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी किया, ईबीआईटी रेडी है 2,20,000, करेक्ट। तो आपका आंसर जो आपने अभी अभी बोला 1.27 एकदम करेक्ट है। उसके बाद आपने क्या किया, फाइनेंशियल लिवरेज के लिए ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करना है, दोनों नंबर्स रेडी है क्वेश्चन में, 1.38 राउंड ऑफ किया इन्होंने, 1.38, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कंबाइंड बता दो, कंबाइंड बता दो यश, 1.75 टाइम्स। आगे टाइम्स लिखने का एग्जाम में, ओके, आर यू एबल टू सॉल्व एंड अंडरस्टैंड? डोंट वरी, दोज हु हैव जॉइंड दिस बैच विल गेट द प्रिंट आउट फॉर क्वेश्चनेयर आल्सो। ये सब भले ही हम ओरली सॉल्व कर रहे, कुछ जगह लिख रहे, बट इन सब का प्रिंट आउट आपको सेपरेट बुक मिलने वाला है, ओके। नाउ क्वेश्चन देखो अभी, और क्या बोल रहे लोग, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ टोटल एसेट्स रिमेन्स द सेम लेवल, मतलब कितना जो भी एसेट्स रहेगा वो सेम है, एसेट्स कितना है पढ़ो ऊपर, 19 लैक्स के एसेट है, इट विल रिमेन एट द सेम लेवल, बट द सेल्स इंक्रीजेस बाय 20% एंड सेकेंड सिनेरियो डिक्रीजेस बाय 20%, कंप्यूट द अर्निंग पर शेयर एट न्यू सेल्स लेवल, ओके। तो कर सकते हो क्या इजिली कैलकुलेट, बनाओ अभी, चलो मैं वेट करता हूं एक मिनट के लिए। पर्टिकुलर्स नेक्स्ट कॉलम राइट हैंड साइड, सेल्स इंक्रीज्ड बाय 20%, लास्ट कॉलम सेल्स डिक्रीज बाय 20%। पर्टिकुलर्स फर्स्ट कॉलम विल बी सेल्स इंक्रीज बाय 20%, सेकेंड कॉलम सेल्स डिक्रीज बाय 20%। तो बताओ मुझे, अब आप पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखोगे सबसे पहले सेल्स, आपको निकालना है ईपीएस, ओके। सेल्स बोलो, सेल्स पहले कॉलम में कितने लिखोगे, 4,08,000, कैसे निकाला, 3,40,000 प्लस 20%, एंड सेकेंड कॉलम में कितना आएगा, 2,72,000, कैसे आया, 3,40,000 माइनस 20%, बस ये सेल्स को पकड़ना है, इससे सिस्टमैटिकली सॉल्व करना है, गड़बड़ मत करो, मैं पूरे एक मिनट वेट करने को तैयार हूं।
Expecting the answer by this time now. Done? What is the answer? EPS? EPS. Compute the earning per share. Number of shares आपको balance sheet से दिखेंगे. Balance sheet ऊपर है और number of shares 8 lakh divided by 10. 80,000 लेना पड़ेगा. 8 lakh divided by 10, 80,000 लेना पड़ेगा. Then friends, 1.76, 0.845. Okay, rupees, huh? EPS is always in rupees. देखिए दोस्तों, आपने जो आंसर बोला वो absolutely correct है. 1.76, 0.85. यश का भी आंसर सेम आया, सर्वेश का भी आंसर सेम आया. यश बोलता है ईपीएस इन रुपीज. ओ इम्प्रेसिव, सही है यार. एक्चुअली ये गलती होती है ना, काफी बार अपन टाइम्स में लिख देते, परसेंटेज में लिख देते गलती से. चलिए, ये थे आपके क्वेश्चंस. अब आपका ये क्वेश्चन जो है, ये ऑलमोस्ट लास्ट बट वन क्वेश्चन, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन अभी. इसके बाद एक और क्वेश्चन एंड दैट्स इट, यू आर फ्री. ठीक है, तो ये मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आप मोटिवेटेड रहे. ओके, और ये सच है, डोंट वरी. तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व करना है. एक बार देख लो क्वेश्चन अच्छे से. कैन यू सी द क्वेश्चन? थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं. यस गाइस, द कंपनी एट द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2020. और जरा अच्छे से देख लो, रुपीज इन करोड़ है ये सब. राइट हैंड साइड आपके पास फिक्स एसेट्स नेट दे रखे, करंट एसेट्स दे रखे. लायबिलिटी साइड में आपके पास इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स डायरेक्टली गिवन है 50 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब 5 करोड़. रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़. डिबेंचर्स 10 करोड़ के 15% से, क्या सोचना है आपको पता है. और करंट लायबिलिटी आपको 4 करोड़ दिए. आपका बैलेंस शीट 20 करोड़ से टैली है. एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू. फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब वो ऑपरेशन का फिक्स कॉस्ट है. ओके, कितना है? 4 crores. Variable operating ratio is 65%, मतलब PV ratio is 35%. बराबर है क्या? Variable cost का percentage as a sale, as a percentage of sale कितना है? 65, मतलब 35 is PV ratio. Total assets turnover ratio is given to you 2.5 times. Total asset turnover ratio मैंने समझाया था आपको कल, क्यों दे रखा है वो? सेल्स निकालने के लिए. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एसेट्स टर्नओवर रेशियो? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. डू यू नो टोटल एसेट्स? यस, 20 दिया रखा है ना उधर. टोटल एसेट्स इज 20 एंड रेशियो इज 2.5. तो फिर आपका सेल्स कितना आ गया? 2.5 इंटू 20, दैट इज 50 करोड़ सेल्स निकालने के लिए वो दे रखा है. और आपको इनकम टैक्स रेट भी दे रखा है 30% का. और नीचे बोला है आपको निकालना है ईपीएस, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज. याद रहेगा क्या नीचे का पोर्शन? ईपीएस, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज. अब मैं ऊपर इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं आपको. यस गाइस, स्टार्ट इन फ्रंट ऑफ यू. आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इन 3 मिनट्स टाइम. बी केयरफुल, बी पेशेंट. 3 मिनट्स बहुत ज्यादा होते, डरने की जरूरत नहीं है. सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कर लो तो आपका एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5 टाइम्स का यूज हो जाएगा.
एंड योर सेल्स विल बी 2.5 into 20 crores. योर सेल्स विल बी 50 crores. वंस यू गेट योर सेल्स व्हाट नेक्स्ट? वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल इज रेडी, सो यू विल गेट कॉन्ट्रीब्यूशन. सो 50 करोड़ का 65% करेक्ट. सो कॉन्ट्रीब्यूशन बचा हुआ अमाउंट रहेगा. एक बार कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया तो फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है अपने पास रेडी. कितना फिक्स कॉस्ट लेंगे आप? लोगे आप 4 crores. ओके 4 crores. ये सब रुपीज इन करोड़ ही करो ताकि मिस्टेक की पॉसिबिलिटी और कम हो जाती है. तो फिर आपको मिल जाएगा ईबीआईटी. इसमें से आप इंटरेस्ट लेस करोगे. 10 करोड़ के डिबेंचर पर 15% इज 1.5 करोड़ का इंटरेस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट विल गिव यू ईबीटी. उस पर आप 30% टैक्स भर दो, ईएटी आ जाएगा. और जो भी ईएटी आया उसे आप डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके आपका ईपीएस आ जाएगा. वेरी गुड, 16.8. चेक करो सब लोग. मैं सिर्फ वो आंसर बोल रहा हूं जो सामने से मुझे मिल रहा है. पेशेंस नहीं लूज करना है, स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक चलना है. एक बार ये आ गया तो फिर फॉर्मूलाज डाल के डायरेक्टली लेवरेजेस आ जाएंगे. फॉर्मूलाज बोलते जाओ जब तक. DOL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, DFL इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी एंड कंबाइन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. आई होप आपका आंसर अगले 30 सेकंड में रेडी हो जाएगा. यश इज सेइंग 16.8 ईपीएस करेक्ट. आपका भी सेम है. ओके ग्रेट. यश यू आर राइट. सर्वेश ऑल्सो यू आर करेक्ट. 16.25 बोल रहा है सर्वेश, रॉन्ग हो गया तू. 16.80 आता है. यस गाइज डन. टेल मी ईपीएस तो हो गया. अभी ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आया? 1.33. फाइनेंशियल? अच्छा 1.3. फाइनेंशियल 1.13 एंड कंबाइंड 1.47. लेट्स चेक योर आंसर्स. ईपीएस तो 16.8 एकदम करेक्ट है. ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एक बार अच्छे से देख लो. पीएटी तक सब कैलकुलेशन यहां पर दिया है मैंने. और उसके बाद ईपीएस 16.8, ऑपरेटिंग लेवरेज 1.296 एंड फाइनेंशियल लेवरेज 1.125 एंड कंबाइंड लेवरेज इज दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1.458 इफ आई डोंट राउंड ऑफ दिस आर दी नंबर्स. ओके हर जगह उसका सिर्फ मीनिंग लिखा हुआ है. डोंट वरी क्या पैराग्राफ लिखा हुआ है अचानक से क्या आ गया, डरो मत. ओके देन एवरीवन, नाउ कम टू माय फेवरेट क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन आई वांट यू टू प्रिपेयर फॉर. दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन. ओके एंड जानबूझ के मैंने इसका सोर्स भी लिखा है ताकि आपको बाद में कभी रेफरेंस के लिए चाहिए तो देख लो. बट एनीवेज मुझे लगता है कि ये क्वेश्चनर बुक में ऐसे बहुत सी चीजें रहेगी. ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों इस टिपिकल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं. रिसेंटली पिछले 5 एग्जाम में से 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है. मतलब क्या होता है, रिपीट कब होता है मन में? जब उस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स रॉन्ग सॉल्व करते हैं तो वो रिपीट करते हैं. ओके आईसीए का ये स्ट्रेटेजी होता है. सो दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व. रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. Following information is related to this company for the year ended 31st March 21. Equity share 10 each, मतलब number of shares पता है अपने को, 50 lakhs आपके total amount है. Bond 1000 rupees each का bond है 12% से और bond का amount है 37 lakhs.
सेल्स अमाउंट इज 84 लाख, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब ऑपरेशन का फिक्स कॉस्ट है ये 6.96 लाख, फाइनेंशियल लेवरेज इज 1.49 टाइम्स, पीवी रेशियो इज 27.55%, इनकम टैक्स रेट इज 40%, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग कंबाइंड, दोनों लेवरेज निकालना है, डीएफएल नहीं पूछा है आपको बट निकालना पड़ सकता है ऑफकोर्स, अच्छा दिया है ना ऊपर, हाँ फाइनेंशियल लेवरेज ऊपर दिया है ठीक है, और ईपीएस ये भी पूछा है आपको, दो डेसिमल तक आप लिख सकते हो, मतलब क्या करना है आपको, तीसरा डेसिमल देखकर राउंड ऑफ करना है दो पर ठीक है। व्हाट इज सो डिफिकल्ट सर, इट्स सो इजी, ऐसे सिनेरियो में ध्यान दो सब लोग अभी, हाँ मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज एक सेकंड इधर ध्यान दो, बाद में जो सॉल्व करना है वो सोचो। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली इंटरेस्ट दिया रहता है, कहां मिलेगा आपको इंटरेस्ट, 37 लाख पर 12% ठीक है, और कहीं नहीं तो कहीं आप ईबीआईटी निकाल पाओगे तो ईबीटी आ जाएगा, मगर ऐसे क्वेश्चंस में जहां इंटरेस्ट अमाउंट निकाल सकते हो और फाइनेंशियल लिवरेज दिया है तो क्रॉस चेक करो कि ईबीआईटी अपॉन ईबीटी कर फाइनेंशियल लिवरेज मैच हो रहा है क्या, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। आप नॉर्मली क्या करते थे मुझे बताओ, ईबीआईटी निकालते थे, उसमें से ये 37 लाख के जो बॉन्ड्स है उस पर जो 12% इंटरेस्ट है वो मल्टीप्लाई करके आपका इंटरेस्ट आता था, आप ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस कर ईबीटी निकालते थे, बट किसने बोला कि डेट का पूरा इंफॉर्मेशन दिया है, कहां लिखा है क्या ये बैलेंस शीट है, हो सकता है और भी डेट हो कोई, क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा क्वेश्चन आप सस्पिशियस कब बनोगे, जब आपको एसेट बॉन्ड वॉन्ड डिबेंचर का कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है और एट द सेम टाइम फाइनेंशियल लिवरेज भी दिया है, तब आप सस्पिशियस बनना चाहिए और एक बार फाइनेंशियल लिवरेज आता है क्या चेक करना चाहिए, नहीं आता है, नहीं आता है, करके देख लो अभी। आप ईबीआईटी निकाल लियो, ईबीआईटी निकालने के लिए क्या किया आपने, क्या किया बोलो, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ही नंबर फाइनल नहीं है ना मेरा, इंटरेस्ट का ही नंबर मेरा फाइनल नहीं है ना, सबसे पहले बोलो नॉर्मली मुझे आप इसको सॉल्व करने का तरीका बताओ क्या करोगे, करेक्ट, तो ईबीआईटी नॉर्मल वे से कैसे निकालोगे, सेल्स दे रखा है, पीवी रेशियो दे रखा है, तो आप क्या करो बैलेंसिंग फिगर वेरिएबल कॉस्ट डाल दो, कंट्रीब्यूशन तक पहुंच गए, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करो ईबीआईटी आएगा, चलो करो सॉल्व करो, सब लोग अपने अपने नोटबुक में सॉल्व करोगे इसको, लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी, 5 मिनट बाद आप फ्री होने वाले हो, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो विल गिव यू कॉन्ट्रीब्यूशन, सेल्स इंटू पीवी रेशियो विल गिव यू कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट मत निकालते रहो, मत निकालते बैठो क्योंकि वो इनकम स्टेटमेंट जब अपन बनाएंगे तब अपन कर सकते हो, डोंट वरी, कंट्रीब्यूशन तक पहुंचे क्या, सेल्स इनटू पीवी रेशियो विल गिव यू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, करेक्ट यश, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा 6.96, तो आपको क्या मिलेगा ईबीआईटी, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज ईबीआईटी, पहुंचे क्या ईबीआईटी तक, अब दोस्तों नहीं आया ईबीआईटी, आ गया ओके वेरी गुड, तो अब ईबीआईटी तक आप पहुंच गए हो, अब कैलसी पर करके देखना है तो देख लो कि उस ईबीआईटी में से 37 लाख पर 12% जो भी इंटरेस्ट आता है वो माइनस करके ईबीटी बुलाओ उसको कैलसी पर, मगर सिर्फ ओके इट्स नॉट रियली ईबीटी, कैलसी पर जस्ट कैलकुलेट कर रहे, क्रॉस चेक कर रहे, आपका आंसर मैच नहीं होता, आपका फाइनेंशियल लिवरेज 1.4 टाइम्स नहीं आएगा, मगर क्वेश्चन में तो दे रखा है 1.4 टाइम्स 49 टाइम्स, अब इसका मतलब देर इज सम हिडन डेट का ऊपर का इंटरेस्ट, दैट मींस ये 12% बॉन्ड के अलावा भी और कुछ डेट है जो हमें दिया नहीं है
मगर इजीली निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? यूज फाइनेंशियल लिवरेज, यूज ईबीआईटी, फाइंड ईबीटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यूज द फॉर्मूला नाउ। अभी तक आपने जो किया वो मुझे बताते रहो ताकि मैं भी आपके साथ सॉल्व करूं। कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो, करेक्ट ऑल ऑफ यू? तो सेल्स कितना है? 84 लाख इनटू 27.55%। कितना है आंसर? रुपीज 23,14,200 पूरा लिखेंगे अपन, ठीक है? आ गया ये कॉन्ट्रीब्यूशन। अब क्या बोलेंगे? EBIT इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। 23,14,200 माइनस 6,96,000, तो कितना आता ये? 1,618,200। ये आ गया आपका ईबीआईटी, ठीक है? नाउ फ्रेंड्स, व्हाट आई नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन इज, अगर मैं इसमें से डायरेक्टली बॉन्ड का इंटरेस्ट लेस कर दूं और इसको ईबीटी मान लूं, तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करने से मेरा फाइनेंशियल लिवरेज मैच नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं अभी, DFL इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT मुझे पता है, फाइनेंशियल लिवरेज 1.49 पता है, EBIT पता है अपने को 16,18,200 है। अपन EBT ढूंढेंगे अभी, अपन क्या करेंगे? EBT ढूंढेंगे। कितना आता है? Therefore, EBT is equal to 10,86,040. अब आप क्या कर सकते हो? EBIT minus interest minus balancing figure is equal to this. Income statement में EBIT number पता है, EBT number पता है, एक interest पता है, जो match नहीं हुआ वो दूसरा interest है, अदर डेट इंटरेस्ट। क्या बोलने का उसको? अदर डेट इंटरेस्ट। यस, मेंशन करेंगे ना अपन, ओके? अब मुझे लगता है कि आप आपका इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर सकते हो और लिवरेजेस भी निकाल सकते हो। मैं आपको जस्ट दिखा देता हूं कि प्रेजेंटेशन कैसे होता है उसका। आंसर नहीं देखना है, प्रेजेंटेशन देखना है। ये देखो, दिखा दिखा कैसे निकाला ये? इस नंबर में और इस नंबर में गैप जब देखेंगे तो ये नंबर नहीं आ रहा है, सिर्फ ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। गॉट इट? बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन प्लीज कंप्लीट द इनकम स्टेटमेंट एंड कैलकुलेट व्हाट एवर दे आर आस्किंग। दूसरा इंटरेस्ट 0.88 लाख, यश बोल रहा है। यश, एग्जाम में उसे इंटरेस्ट ऑन अदर डेट बोलने का। टैक्स रेट बताओ, 40%। क्वेश्चन ही सामने रख दूं क्या?
डन। अब तक ऐसे क्वेश्चन समझते नहीं थे, क्यों समझा कैसे ऐसे हुआ? फाइनेंशियल लिवरेज गिवन, वन डेट इज गिवन, जस्ट क्रॉस चेक, इफ दे आर गिविंग दैट देर हैज टू बी समथिंग, देर हैज टू बी समथिंग। एंड ऐसा क्रॉस चेक करने की कब जरूरत नहीं है? जब बैलेंस शीट दिए, फिर क्या संबंध दूसरा डेट रहने का? अगर मेरे पास सीधा बैलेंस शीट ही दे रखी है तो क्रॉस चेक क्यों करूं मैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? शैल वी स्टॉप हियर? शैल वी चेक योर आंसर? सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइनल आंसर। योर ईपीएस इज 1.3। ऑल ऑफ यू, सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन निकल गया, माइनस फिक्स कॉस्ट जो दे रखा था, ईबीआईटी आ गया। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस किया 37 लाख पर 12%, अदर इंटरेस्ट बोल दिया, बैलेंसिंग फिगर ईबीटी आया, ईबीटी पे टैक्स पे किया 40%, ईएटी आया, ईएटी को डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर किया, 1.3 का आपका ईपीएस आ गया। सबका मैच हुआ 1.3। ओके, ऑपरेटिंग लेवरेज इज नथिंग बट कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कॉन्ट्रीब्यूशन रेडी है, ईबीआईटी रेडी है, दोनों को डिवाइड कर लो, आपका आंसर 1.43 टाइम्स आता है। फाइनेंशियल लेवरेज दिया था, ऑपरेटिंग निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डीसीएल निकालना है तो ऑपरेटिंग इंटू फाइनेंशियल कर दो, 1.43 इंटू 1.49 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो इफ माई कंबाइंड लेवरेज कम्स टू 2.13। एंड फाइनली डीएफएल, ये तो वर्किंग नोट का पार्ट है, अपन ने ऑलरेडी कर दिया है वो, ठीक है। तो आई थिंक यू आर नाउ प्रिपेयर्ड फॉर फेसिंग एनी क्वेश्चन ऑन लेवरेज। ओके, टुमारो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ नेक्स्ट क्वेश्चनर। ओके, बाय एवरीबडी, सी यू।